इस चैनल पे हमने काफ़ी सारे इंजिन्स देखे, लेट के घूमने वाला अपोस्ट पिस्टन इंजन, गोल घूमने वाला रेडियल इंजन, वी इंजन, इनलाइन इंजन और भी बहुत सारे। ये सभी इंजिन्स फोर स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जिन्हें फोर स्ट्रोक इंजिन्स भी कहा जाता है। अब एक ऐसा भी मैकेनिज्म है जो फोर स्ट्रोक से काफ़ी तेज़ है, जिसे कहते हैं टू स्ट्रोक इंजिन्स। नाम से ही आप समझ ले कि इसमें दो स्ट्रोक्स कम होते हैं। लेकिन इन इंजिन्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे आप सुनना ज़रूर चाहेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और चलिए इंजन को शुरू करते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि इस इंजन में होते तो चार स्ट्रोक ही है, लेकिन एक साथ दो स्ट्रोक काम करते हैं। इस वीडियो में हम खाली टू स्ट्रोक मैकेनिज्म ही कवर करेंगे, तो अगर आपको डिटेल में इंजिन्स को जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अब हमारा टू स्ट्रोक इंजन दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। फोर स्ट्रोक इंजिन्स के जैसे ही इसमें भी वो सभी इंजन पार्ट्स मौजूद होते हैं। फोर स्ट्रोक के बारे में यदि पता ना हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत तक आप सब समझ जाओगे। तो चलिए हम पिस्टन के बॉटम डेड सेंटर से शुरू करते हैं। क्योंकि पिस्टन इंजन के सबसे निचले हिस्से में खड़ा है, इसलिए इसे BDC यानी बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। अब जब हम बाइक को किक स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। पिस्टन कितना ऊपर तक जा सकता है उसे कहते हैं TDC। TDC की ओर जाते वक्त इनलेट पोर्ट बंद होता है और सारा एयर फ्यूल मिक्सचर ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते अंदर क्रैंक केस में आता है। इंजेक्शन से आप लोगों ने पानी कई बार खींचा ही रहेगा, बस इसी सिद्धांत का उपयोग यहाँ किया गया है। पिस्टन को ऊपर जाते वक्त देखना कैसे वो अन्य पोर्ट्स को बंद करता है। अब हमारा पिस्टन TDC तक पहुँच गया है और क्रैंक केस में पूरा मिक्सचर भी भर गया है। अब जब फ्लाईव्हील फिर से घूमता है तो पिस्टन BDC की तरफ आता है। पिस्टन के नीचे आते ही क्रैंक केस में मौजूद सारा मिक्सचर ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते अंदर कंबशन चैम्बर में आता है। अब पिस्टन फिर से ऊपर जाता है। ध्यान से देखें कि पिस्टन ऊपर जाते वक्त कुल दो स्ट्रोक होते हैं। पहला, पिस्टन ऊपर जाते ही वो फ्यूल को कंप्रेस करता है और दूसरा, इनलेट पोर्ट बंद होता है और मिक्सचर फिर से क्रैंक केस में भरने लगता है। तभी स्पार्क प्लग फायर करता है और मिक्सचर जलते हुए पिस्टन नीचे आता है। अब यहाँ भी हमें दो स्ट्रोक मिलते हैं। पहला कि फायरिंग के बाद हमें मिलता है पावर स्ट्रोक, जो फ्लाईव्हील को घुमाता है। पावर स्ट्रोक के बाद आपको बाइक किक करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इंजन अपने आप चलने लगता है। दूसरा ये कि एग्जॉस्ट पोर्ट खुलते हुए वो सारे एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालता है, जो कि है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये प्रोसेस ऐसे ही चालू रहता है और हमारी गाड़ी चलने लगती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजिन्स में क्या अंतर है। क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।